वेलकम बैक फ्रॉम द ब्रेक व्यूअर्स. अब उस घड़ी का वक्त हो गया, उस घड़ी पे हम पहुंच गए हैं जिसका हर किसी को इंतजार था. हम अब निकालने जा रहे हैं उमरे का टिकट. जैसे कि आप जानते हैं व्यूअर्स, ये ट्रांसमिशन आप तक पहुंचाई गई है बाय अल नूर ऑर्चर्ड हाउसिंग स्कीम, और आप इसे देख रहे हैं ए प्लस और पब्लिक न्यूज़ पे. अल नूर ऑर्चर्ड हाउसिंग स्कीम की जानिब से अपने कस्टमर्स को वो बहुत से कीमती इनामात दे रहे हैं. नाउ फॉर द फाइनल इनाम फॉर टुडे, हर रोज इनामात निकलेंगे, हर रोज उमरे का टिकट, बाइक, एलसीडी एंड मोबाइल फोन निकलेंगे. आज आसिफ भाई जो हैं वो निकालेंगे हमारा ग्रैंड प्राइज आज का, विच इज दी उमरे का टिकट. एक और बात आपके साथ शेयर करूं व्यूअर्स, जो हमारे व्यूअर्स इस वक्त टेलीविजन पे हमें देख रहे हैं उनको भी मौका मिलेगा 5 मरले का प्लॉट जीतने का. और उसका तरीका बहुत ही सिंपल है, और वो ये है कि आपने अल जलील के सारे जो मीडिया सोशल मीडिया पेजेस हैं उन पे जाके टैग करना है, शेयर करना है, और आप भी हिस्सा बन सकते हैं इस कुरानदाजी का. 27th रमजान को फाइनलिस्ट अनाउंस होंगे. थैंक यू सो मच आसिफ भाई. विनर का नाम है काशिफ महमूद कुरैशी जी, और काशिफ महमूद कुरैशी साहब को, काशिफ महमूद कुरैशी साहब को बहुत मुबारक. और जुगन जी उनका लाहौर से वो उनका ताल्लुक है, और उनका रजिस्ट्रेशन नंबर है BLM8528722. बहुत बहुत मुबारक हो, आप उम्रे पे जा रहे हैं माशाल्लाह. हाँ जी, कमिंग बैक टू द मेन स्टेज, मोहम्मद बिलाल हाशमी हमारे आखिरी कंटेस्टेंट है आज के. याद जब मुझे को मदीने की फजाती है, याद जब मुझे को मदीने की फजा आती है, सांस लेता हूँ तो जन्नत की हवा आती है, सांस लेता हूँ तो जन्नत की हवा आती है, और रो पाक पे सब जब्ते नफस करते हैं, रोजाए पाक, रोजाए पाक पे सब जब्ते नफस करते हैं, इस गुलिस्तान में दबे पाऊं हवा आती है. बड़ा स्टार्ट बड़ा अच्छा हुए. आप, मैं एक बात कह रहा हूँ, जो तो आप ना कंपटीशन जेन में रखते हैं, आप इतना अच्छा शुरू हुए, बड़ा माशाल्लाह सुर के साथ, तलफ़ुज़ भी आपका काफ़ी बेहतर है. आपने एक बीच में एक अंतरे में एक जगह राग थोड़ा चेंज करना शुरू किया, आपने सारा टोटल उस सुर को, कंपोजिशन को छोड़ दिया. तो लिहाजा इस बात को मद्देनज़र रखा करें, इस चीज़ को गौर किया करें कि आप नात शरीफ को नात शरीफ समझ के पढ़ें, उसको आप वो ना बनाएं कि आपका जो मोहब्बत ना वो नज़र आनी चाहिए नाज़ शरीफ में,
ये नहीं कि आप गायकी के अंदर चले गए, पूरा आपने अंतराई वो जहाँ जगह कह रहे थे वो वहाँ से आप थोड़ा सा सुरे भी हुए, और स्टार्ट पे आपने पहले फिजा पढ़ा है फिर फजा पढ़ा है, तो वो थोड़ा सी आपकी है बार अलावर अल्लाह खुश रखे जी। बिल्कुल वही तकरीबन मेरी भी वही राय है कि आपने एक तो बेवजह जगह ली जिसकी ज़रूरत नहीं थी, आप बड़ा अच्छा कह रहे थे, अगर आप वो ना कहते तो आप मैं समय तो उसी में माइनस हुए हैं आप, और आप ओवर कॉन्फिडेंट मतलब लगे हैं मुझे इस हवाले से। खैर आपके पास मौका है कल इस अपनी ये जो सिचुएशन है इसको रिजॉल्व इसको मतलब सेव करने का, बिकॉज इसीलिए 3 दिन दिए गए हैं, कभी कई मिस्टेक हो जाती है, कुछ ऊंच नीच हो जाती है, कंफ्यूज होता है किसी वक्त, क्या तैयारी पूरी बेटा अच्छे तरीके से तैयारी करें। कल इस क्वालिफायर का रिजल्ट अनाउंस होगा और एक टॉप स्कोरर राउंड 2 के लिए क्वालिफाई करेगा हमारे आज के 4 कंटेस्टेंट। थैंक यू सो मच बेटा, आप अपने साथ लेके जाएंगे अलनूर ऑर्चर्ड की तरफ से एक गिफ्ट हैम्पर, और आज का नूरे मिदत का ये जो कॉम्पिटिशन है ये आज के लिए क्लोज होता है। मुझे जल्दी से किचन की तरफ जाना है, किचन में हमारी बड़ी प्यारी सी शेफ हुमा किरमानी आ गए। अस्सलाम वालेकुम शेफ हुमा। वालेकुम अस्सलाम, क्या हाल है आपका? बिल्कुल ठीक, आप कैसी हैं? मैं बिल्कुल इतना बड़ा तवा मैंने कहा काफी सादा मेहमान है, और रमजान में तो ये सब चीजें चलती है ना जी। मेन्यू क्या है हमारा आज का? अच्छा आज मैं बना रही हूँ एक तो चिकन तवा पीस बना रही हूँ, और बहुत आसानी हो जाती है जब आपके पास बहुत सी ऐसी जो है ना रेडीमेड चीज़ें, और समटाइम्स मेहमान आ गए हैं अचानक, और अफ्तारी में तो लाजमी है जी कोई ऐसी आइटम जो ऑलरेडी बना के रखी हो, क्योंकि आप सब कुछ उस वक्त नहीं बना सकते। तो मैं आज चिकन समोसा जो है वो सब्रोसो का बना रही हूँ। बाय द वे फर्स्ट टाइम इन पाकिस्तान चिकन पाकिस्तान में सब्रोसो ने इंट्रोड्यूस किया है फ्रेश चिकन कचौरियाँ, एंड बाय द वे बहुत से और ब्रांड्स भी आने वाले हैं। ये ज़रूर बताऊंगी कि इट्स वेरी सिंपल, इट्स वेरी अनकॉम्प्लिकेटेड टू मेक, किसी डिप के साथ सर्व करें या मिचेल्स टोमेटो केचप के साथ भी आप इसको सर्व कर सकते हैं। पफी कोटिंग है, बिल्कुल भी हैवी फीलिंग नहीं है, बहुत हाइजीनिक मीटी ट्रेडिशनल टेस्ट है इसका, तो आपने भी ज़रूर ट्राई करना है, और बल्कि अगर आप ठंडी ठंडी कोका कोला के साथ इसको पियेंगे तो बहुत ही मज़ा आएगा। अ मस्ट हैव ऑन द इफ्तार टेबल। अगर आपने इसको ऑर्डर करना है तो 04221722477 पे ऑर्डर कर सकते हैं। और बाय द वे जहाँ पे बात हो रही है डिलीशियस अकम्पनीमेंट्स की, तो मिचेल्स के टमाटो केचप को हम कैसे भूल सकते हैं, विच इज़ अ क्विक फिक्स सारी माओ के लिए, सारी हाउसवाइफ्स के लिए, बल्कि हर किसी के लिए। एक थिक टमाटो ही फील है इसकी, कोई भी स्नैक मिचेल्स के टमाटो केचप के बगैर इनकम्प्लीट होता है। डिफरेंट शेप्स एंड साइजेस में आता है, जो आपको सूट करता है आप यूटिलाइज करें, एंड फ्रेश टमाटर से बना होता है जो आपके लिए स्पेशली हैंड पिक्ड है। अच्छा जी, तो मेन्यू में आपने कहा कि चिकन तवा है। इस्लामाबाद में मगरिब की अजान का वक्त होने में 30 मिनट बाकी हैं। और टिक्का की मैरिनेशन मैंने सबसे पहले तो जी जो चिकन है उसको कट्स लगा के सिरका लगा के आपने थोड़ी 10 से 15 मिनट के लिए रख देना है, उसके टेंडर हो जाती है बिल्कुल, और उसको धोना नहीं है, बाद में आपने किसी जाली वाली चीज में डाल के रखने ताकि उसका एक्स्ट्रा पानी वगैरह जो है वो ड्रेन हो जाए। उसके बाद करना आपने ये है कि एक बाउल में लेना है दही, और दही के साथ जो है मैरिनेशन बनानी है। साथ में सॉल्ट एंड पेपर, हल्दी लिया मैंने, ज़ीरा पाउडर लिया है, साथ में धनिया पाउडर है, गरम मसाला पाउडर है। मैरिनेशन तैयार करने के बाद जो है आपने इसको रख देना है ऑलमोस्ट एटलीस्ट घंटे डेढ़ के लिए रखिए, ताकि मैरिनेशन जो है अच्छे से उसके ऊपर बिल्कुल टेस्ट उसका ताकि अच्छे से आए फ्लेवर, क्योंकि पीसीस भी बड़े छोटे पीसीज हों तो मैरिनेशन क्विकली अगर आप कर लें तो चल जाती है, लेकिन चूंकि पीसीज बड़े हैं तो आप मैं रिकमेंड करूंगी कि ओवरनाइट इसको रखें। उसके बाद मैंने कर लिया था जी इसको स्टीम, आप इसको आपके पास ओवन है आप ओवन में बेक कर सकते हैं, आप सिंपली इसको फ्राई भी कर सकते हैं। हमारे पास जो है कश्मीर ऑयल है उसमें अंदर मैंने इसको फ्राई कर रही हूँ इस वक्त, फ्राई करने के बाद इसको कर लूँगी साइड पे, और इसी ऑयल के अंदर जो कि मैं क्या करूँगी कि प्याज मेरे पास चॉप्ड है उनको करूँगी ब्राउन, लाइट सा ब्राउन करना है, आपने बहुत ज़्यादा ब्राउन नहीं करना। उसके बाद गार्लिक जिंजर पेस्ट है वो ऐड करेंगे, टमाटर ऐड करेंगे चॉप, साथ में जो है दही तब हम ऐड करेंगे दोबारा से वापस, जो मैंने फ्राई किए हुए लेग पीसेज हैं मसाले के ऊपर रखूँगी, दही डालूंगी उसके ऊपर, गार्निश अच्छी सी करेंगे, टेस्ट अपने मुताबिक, नमक मिर्च आपको हरी मिर्च ज़्यादा पसंद है आप अकॉर्डिंगली एडजस्ट कर सकते हैं, और हम इसको थोड़ी देर के लिए दम दे देंगे ढक्कन के साथ। बहुत प्यारा सा, अगर आप चाह रहे हैं कि आप कोयले का फ्लेवर दें, मुझे इतना पसंद नहीं है,
तो आप उसको उस तरह से भी सर्व कर सकते हैं, नान रोटी के साथ सर्व करें। और बाय द वे कश्मीर बनास्पति तो वैसे भी कहते हैं कि कश्मीर ऑयल जो है वहाँ पे खाना तो बहाना है, और एक्चुअल ऑब्जेक्टिव ये है साथ में वक्त गुजारना, मोहब्बत प्यार खलूस के साथ एक दूसरे के साथ पेश आना। अब ये डिशेज हों, गरम गरम समोसे हों डिलिशियस से, ये लेग पीसेस हों, साथ में अगर टैंग भी हमें मिल जाए तो क्या ही बात है। जैसे कि आप जानते हैं टैंग के 5 जायके जो है वो मार्केट में अवेलेबल है, ऑरेंज है, मैंगो है, मौसमी है, पाइनएप्पल है और लेमन है। तो आप एवरी डे एक डिफरेंट मशरूब को इंजॉय कर सकते हैं अंडर द लेबल ऑफ टैंग, बेहतरीन जायकों में दस्तियाब है। और बाय द वे आप इसको फ्रूट चाट में भी इस्तेमाल कर सकते हैं, आइसक्रीम में की भी बहुत सी रेसिपीज हैं, बल्कि टैंग की आप आइस लॉलीज भी बना सकते हैं अगर आप बनाना चाहें। और आगे फ्रूट्स के साथ हम ड्रिंक्स भी बनाएंगे इसकी। बिल्कुल आगे जाके। सो हम जाते हैं ब्रेक की तरफ क्योंकि इफ्तार का वक्त करीब है। कुछ हमने बातें अपने प्यारे से कासिम भाई से भी सुननी है, कुछ कलाम भी सुनने बाकी है। व्यूअर्स आप हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक फ्रॉम द ब्रेक व्यूअर्स, हम आ गए हैं शेफ अनम के किचन में। क्या सिचुएशन है जी? जी जुगन, जो हमारी चिकन स्टेक विद मशरूम सॉस वो भी रेडी हो गई है, साथ में क्रीमी पाइनएप्पल वो भी रेडी हो गया है। हमारे क्रीमी पाइनएप्पल पे थोड़ी सी क्रीम लग गई है ऑल्पर्स की, तो हम जरा बिल्कुल रोज पेटल के जूप से इसको नीट एंड क्लीन करेंगे। बिल्कुल। और उसके बाद जो हमारी जामे शीरी की जो ड्रिंक थी बनाना स्मूदी वो भी रेडी हो गई है। सो हमारी सारी हमारी ड्रिंक्स भी रेडी हो गई, हमारी डिजर्ट भी रेडी हो गई और हमारा मेन कोर्स भी रेडी हो गया। थैंक यू सो मच, एवरीथिंग लुक्स एब्सोल्युटली डिलीशियस। थैंक यू। आपने भी जरूर ऑल्पर्स की क्रीम और दूध का इस्तेमाल करना है अपनी सैर और इफ्तार में, और हमें अपनी फीडबैक देनी है। एंड देन ऑफ कोर्स जामे शीरी delicious बात आप उसे बना सकते हैं वेरियस डिफरेंट काइंड्स की। एंड देन लाइक वी कीप सेइंग, अगर कोई भी इशू हो जाए किचन में और ज़रूरत हो आपको कुछ साफ करने की या खाने की किसी चीज़ के अंदर अब्सॉर्ब करने की, जैसे कि हमने फ्रेंच फ्राइज को भी किया, तो आप यूज़ करेंगे रोज़ पेटल के जूप को।